गाइस अगर आप 2023 में कनाडा मूव होना चाहते हो वो भी विदाउट आईलेट्स विदाउट लिमिया, तो आज की इस वीडियो में एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में आपको बताना होगा जिसके थ्रू गाइस आपको कोई भी एज लिमिट यहां पर मेंशन नहीं किया गया, कोई भी लिमिया नहीं चाहिए, कोई भी आईलेट्स का एग्जाम यहां पर आपको क्रैक नहीं करना है। विदाउट आईलेट्स लिमिया आप यहां पर जॉब पा सकते हो और आप कनाडा मूव हो सकते हो वो विद इन 20 डेज के अंदर। तो गाइस यहां पर मैं बात कर रहा हूं कनाडा के न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोजेक्ट के बारे में जिसको गाइस अनाउंस किया गया था 2022 नवंबर में। तो गाइस इस प्रोग्राम के थ्रू अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, पाकिस्तान, नेपाल या फिर दुबई, सऊदी, कतर, व्हाटएवर किसी भी कंट्री में आप जॉब करते हो तो गाइस वहीं से आप डायरेक्टली घर बैठे बैठे इस प्रोग्राम के थ्रू आप कनाडा मूव हो सकते हो। यहाँ पर दोस्तों अगर आपका एजुकेशन 6-7 क्लास है तो भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और गाइस अगर आपका एजुकेशन हाई क्लास है या फिर आप कोई स्किल आपके पास में तो और भी बेटर चांसेस आपको यहाँ पर जॉब मिलने के। गाइस ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप बहुत ही आसानी से कनाडा जा सकते हो और आप यहाँ पर काम कर सकते हो। गाइस यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ का प्रोविंस है न्यू ब्रंसविक और फेडरल गवर्नमेंट है साथ में मिलकर इस प्रोग्राम को बहुत ही स्मूथ तरीके से लोग रन कर रहे हैं और इसके थ्रू गाइस काफी सारे लड़कों को यहाँ पर जॉब भी मिल रहा है। गाइस यहाँ पर आपको पीआर लेने के भी चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप इस वाले प्रोविंस में यहाँ पर जाकर काम करते हो, अगर आप न्यू ब्रंसविक में काम करते हो यहाँ पर आप जॉब करते हो। गाइस आपने देखा होगा काफी सारे ऐसे लड़के जो मतलब काफी टाइम से यहाँ पर जॉब करते हैं लेकिन जैसे उनको पीआर मिलता है दूसरे कंट्री में इधर उधर भाग जाते हैं। तो गाइस इसीलिए गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा शॉर्टेज होता है वर्कर का, तो इस शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए ये लोग ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया ताकि यहाँ पर जो लेबर शॉर्टेज है उसको ये लोग यहाँ पर फुलफिल कर सके। तो गाइस इसी मकसद से ये लोग इंडिया से वर्कर्स को बुलाते हैं, पाकिस्तान से बुलाते हैं और काफी नेपाली भाई भी है जो कि वहां पर जाकर काम करते हैं। तो गाइस यहाँ पर काफी लोगों को इसके बारे में पता होता है और काफी ऐसे एजेंट है जो इंडिया में बैठे हुए हैं उनको भी इस चीज का बहुत ही अच्छे से पता है लेकिन गाइस वो लोग आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि अगर वो आपको बताएंगे तो उनका जो बिजनेस है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कनाडा मूव होते हो इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से भी, किसी भी कंट्री से, तो गाइस यहाँ पर जो एजेंट है इंडिया में बैठे हो वो लगभग आपसे 18 लाख या फिर 19-20 लाख इतना आपसे डिमांड करते हैं जो कि हर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। तो दोस्तों जिनका बजट कम है उनके पास में इतने पैसे नहीं है तो गाइज इस वाले प्रोग्राम के थ्रू आपको बहुत ही अच्छा चांस मिल रहा है, आप मूव हो सकते हो कनाडा में। यहाँ पर दोस्तों कोई भी एज लिमिट इन लोगों ने मेंशन नहीं किया, किसी भी एज का बंदा यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और दोस्तों यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट इन लोगों ने नहीं किया क्योंकि गाइज इन लोगों ने एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया। अगर आप जाओगे कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जो न्यू ब्रंसविक पायलट प्रोजेक्ट है उसके बारे में सारी डिटेल इन लोगों ने मेंशन की गई है, वहां पर कोई भी ऐसी एज रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी एजुकेशन के बारे में इन लोगों ने नहीं मेंशन किया क्योंकि गाइस इन लोगों ने ऑलरेडी ये चीज वहां पर मेंशन की है कि जो भी वर्कर्स आएंगे इंडिया से, पाकिस्तान से, जो भी व्हाटएवर कंट्री, उनको ये लोग असिस्ट करेंगे पीआर लेने में और उनका जो फूड है, अकोमोडेशन है, वो सारी चीजें उनको ये लोग प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस ये चीज यहां पर एकदम क्लियर हो जाती है, यहां पर आपको फूड, फ्लाइट, अकोमोडेशन, ऑलमोस्ट सारी चीजें आपका जो एम्प्लॉयर रहेगा वो ही यहां पर आपको प्रोवाइड करेगा। गाइस अब बात ये आती है कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू कैसे कनाडा मूव हो सकते हैं, क्या हमें फर्स्ट स्टेप यहां पर करना चाहिए। गाइस यहां पर मैं आपको एक चीज एकदम क्लियर दिखाता हूं, यहां पर स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। गाइस यहां पर जो आप देख पा रहे हो 6 कंपनीज है, इनको फुल अथॉरिटी है, आपको ये हायर कर सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, सबसे पहले आप मेक श्योर करें आप कौन से कैटेगरी का जॉब करना चाहते हो, यानी कौन सा एक्सपीरियंस आपके पास में। अगर आप क्लीनर हो या फिर आप कंस्ट्रक्शन में कोई भी काम जानते हो, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हो या फिर एज एग्रीकल्चर आप यहाँ पर काम करना चाहते हो फार्म के अंदर, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, तो गाइस फर्स्ट आपको उसी के बेस पर आपको सीवी का अल्टर आपका प्रिपेयर करना है कैनेडियन फॉर्मेट का। काफी लड़के गलती कर रहे हैं किसी और कंट्री का फॉर्मेट यहाँ पर बना के और अप्लाई करते हैं फिर उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। आपको गाइस खुद भी ये चीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कितने सारे वीडियोज आपको न्यू ब्रंसविक प्रोग्राम के ऊपर आपको मिल जाएंगे, तो कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के, नेशन के लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जिन लोगों के पास में हाई स्टैंडर्ड का सीवी रहेगा, कवर लेटर रहेगा, उन लोगों को ही ये लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। जिसका सीवी अच्छा रहेगा उन्हीं को ये लोग रिवॉर्ड करते, उन्हीं से ये लोग कॉन्टेक्ट करते। अब ऐसा नहीं कि आप इंडियन फॉर्मेट का सीवी भेज रहे उसके बाद बोलते हमको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो गाइस न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू अगर आप जाना चाहते हो, इस प्रोग्राम के थ्रू आप जाना चाहते हो कनाडा में, तो सबसे पहले आपके पास में सीवी कल्टर होना मैंडेटरी है जो कि कैनेडियन फॉर्मेट में होना चाहिए। तो गाइस अगर आपके पास में सीवी कल्टर नहीं है कैनेडियन फॉर्मेट का तो आप इसके लिए मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप डायरेक्टली इसके लिए मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको अप्लाई नहीं करना था तो भी आप मुझे इसके लिए अप्रोच कर सकते हो जो अप्लाई के लिए। एंड गाइस एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, काफी लोग को ये कंफ्यूजन है किस तरह से मैं अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसका क्या क्राइटेरिया है, वो सब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा एक छोटे बच्चे की तरह, जिससे गाइस आपको जो माइंड में डाउट चल रहे हैं कि क्रिटिकल प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे जाएंगे, वो सारे डाउट्स आपको इस वीडियो को देखकर क्लियर होने वाले।
तो चलिए गाइस मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप न्यू ब्रंसविक पायलट प्रोग्राम के थ्रू आप जा सकते हो कनाडा में। दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, आईडी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जल्दी से एंड फॉलो कर लीजिए। तो गाइस इस वाली साइट पर आपको आना, इसका नाम है canadavisa.com। तो गाइस यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा, न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोजेक्ट, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर ये काम करता है। यहाँ पर जो पार्टनर एम्प्लॉय है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, डायरेक्टली अगर आप चाहे तो इनको डायरेक्टली अपना सीवी सेंड कर सकते हो। ये 6 एम्प्लॉयर है, यहाँ पर आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हर एक कैटेगरी का जॉब अवेलेबल है, यहाँ पर हर एक कैटेगरी का जॉब अवेलेबल है। फार्म वर्कर का जॉब है, डिलीवरी बॉय का जॉब है, ड्राइवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब है, क्लीनर, हाउसकीपर, और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा जॉब है, पैकेजिंग के जॉब है, और पिकर पेकर, वेयरहाउस वर्कर, इस तरह के जितने भी जॉब्स है गाइज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आप रेस्टोरेंट या फिर होटल में काम करना चाहते हो उसके हिसाब से भी सारे जॉब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हो इन लोगों ने बहुत ही क्लियरली मैंशन किया है, ये लोग आपको फुल सेटलमेंट होने में यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे, हाउसिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, और बाकी फूड हुआ, इन लोगों ने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया, फूड, फ्लाइट, अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर फुल सपोर्ट करेंगे ये लोग। दूसरा दोस्तों अगर आपको एजुकेशन का प्रॉब्लम है, आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, उसके लिए ये लोग आपको 200 आवर्स का ये लोग लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कैसे आपको बात करना है, कैसे आपको मैनेज करना सारी चीज़ें। और उसके बाद गाइज अगर आपके पास में हाई स्किल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी गाइज ये लोग आपको ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों चाहे तो आप यहाँ पर एक इमिग्रेशन है, यहाँ पर भी आप चाहे तो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो बस एक और चीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, ये भी यहाँ पर आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो बस यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपको पर्सनल प्रोफाइल यहाँ पर आपको क्रिएट करना है, उसके बाद ही ये लोग अपना डिसीजन आपको बताएंगे कि आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एज बताना, कितना आपका एज है, जो भी आपका यहाँ पर एज है 22, 23, 24, 25, 26 जो भी आपका एज है वो यहाँ पर आपको ऐड कर देना। और उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंस यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना। दूसरा यहाँ पर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, कौन से कंट्री का आप हो यहाँ पर आपको ऐड कर देना, इंडिया से तो इंडिया यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद में ये लोग आपसे पूछेंगे मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, आपकी शादी हो चुकी है या फिर नहीं हुई है, तो अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर क्लिक करना, मैरिड हो तो यहाँ पर, और अगर आपके बच्चे हैं या फिर नहीं है यहाँ पर आपको यस नो में इनको आंसर करना। और प्रेफर्ड डेस्टिनेशन इन कनाडा, कौन से डेस्टिनेशन पर आप जाना चाहते हो, तो हमें यहाँ पर जाना है न्यू ब्रंसविक में, तो बस यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना, न्यू ब्रंसविक, ठीक है। उसके बाद में ये लोग आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछेंगे कि आपका इंग्लिश है जो राइटिंग है वो आप कितना परफेक्टली आप जानते हो, तो यहाँ पर आपको ऐड कर देना गुड, एक्सपर्ट, गुड या फिर कंपेटेंट या फिर मॉडेस्ट, लिमिटेड, जो भी है, अगर गुड है तो यहाँ पर गुड पे क्लिक कर देंगे अगर आपको इंग्लिश ठीक ठाक है लिखने में। उसके बाद आपसे पूछेगा इंग्लिश रीडिंग, तो अगर आप इंग्लिश पढ़ लेते हो ठीक ठाक यहाँ पर गुड पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद पूछ रहे स्पीकिंग, आप किस तरह से इंग्लिश बोलते हो, यानी कौन से लेवल की आप इंग्लिश बोल सकते हो, मतलब कि एकदम लोवेस्ट लोअर की है, लिमिटेड है, मॉडेस्ट है, कॉम्पिटेंट है, गुड है, फिर वेरी गुड है, तो यहाँ पर आप जो भी एक्सपर्ट हो या फिर नहीं हो, थोड़ा बहुत अगर आपको इंग्लिश आता है तो गुड पे क्लिक कर देंगे, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, बहुत ही कम आता है, तो यहाँ पर आपको लिमिटेड पर क्लिक कर देना। और लिसनिंग, किस तरह से आप सुनते हो इंग्लिश, तो यहाँ पर गुड, वेरी गुड जो भी है यहाँ पर क्लिक करना। और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछा गया, ठीक है, अगर फ्रेंच लैंग्वेज आपको आता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर आपको इनको आंसर कर देना, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। योर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो भी आपका एजुकेशन, अगर हाई स्कूल किया तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं किया तो नो पे करेंगे। हैव यू डन एनी पेड वर्क ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर, कोई काम आपने किया है पिछले 10 सालों में, तो यस नो पे क्लिक करेंगे, अगर किया है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो। उसके बाद एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, यहाँ पर आपको यस नो में आंसर करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कैनेडियन जॉब ऑफर लेटर, तो अगर किसी कंपनी ने आपको जॉब ऑफर लेटर दिया है तो यहाँ पर यस पे क्लिक करना, नहीं दिया तो नो पे क्लिक करना। फैमिली और फ्रेंड्स इन कनाडा, कोई आपकी फैमिली का मेंबर या फिर कोई फ्रेंड आपका कनाडा में है तो उसका इन लोग को जानकारी चाहिए, तो यस नो पर आपको क्लिक करना है। डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर और रिलेटिव्स लिविंग इन कनाडा एंड हु आर 18 ईयर और ओल्डर, ठीक है, यहाँ पर आपको यस नो में क्लिक करना है। योर पर्सनल नेटवर्थ, तो यहाँ पर आपको इनको जवाब देना कितना आपका पर्सनल नेटवर्थ है। एंटर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और आपका टेलीफोन नंबर। और क्वेश्चन एंड कमेंट्स, यहाँ पर आपको जवाब देना जो भी ये पूछ रहे हैं। उसके बाद इमिग्रेशन न्यूज़लेटर, यस पे क्लिक कर देना, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद में आपको सबमिट फॉर्म, यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हो सबमिट फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो आपका यहाँ पर फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और इन लोग के पास चले जाएगा। उसके बाद में ये लोग रिव्यू करेंगे और विद इन 24 आवर के अंदर ये लोग आपको बता देंगे कि आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, तो ये एक चीज़ यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएगी।
तो अब बढ़ते दोस्तों यहाँ पर आपको जॉब कैसे अप्लाई करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है, लाइक टीचर का यहाँ पर जॉब है, नर्स के लिए यहाँ पर जॉब है, और कंस्ट्रक्शन में, होटल में, टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जॉब है, एग्रीकल्चर में बहुत सारे जॉब्स है, और इंजीनियर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब्स है, हर एक कैटेगरी के यहाँ पर जॉब अवेलेबल है। तो बस यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है जॉब्स इन ब्रंसविक, ठीक है, ये आपको यहाँ पर टाइप करना है, और यहाँ पर दोस्तों इंडीड आपके सामने आएगा, यहाँ पर आपको कनाडा वाला इंडीड ओपन करना है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर इंडीड ओपन हो जाएंगे वेबसाइट। यहाँ पर नीचे आना, कंट्री एंड लैंग्वेज यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको ये वाला कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, कनाडा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है कनाडा, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर गाइस आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना, और उसके हिसाब से गाइस यहाँ पर आपको जॉब सर्च कर लेना, जो भी आप यहाँ पर जॉब करना चाह रहे हो। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे जॉब है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, वेयरहाउस पैकेजिंग के लिए जॉब है, वेयरहाउस वर्कर का जॉब है, फूड सर्विस वर्कर के यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, क्लीनर के लिए चाहिए, कैटरिंग में यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है, और नीचे आएंगे फूड सर्विस में जॉब्स है, और गाइस फुल टाइम जॉब यहाँ पर हाउसकीपर का जॉब है, क्लीनर का जॉब है, और डिश वॉशर का जॉब है, क्रू लीडर का यहाँ पर जॉब है। और गाइस ये है कनाडा का ऑफिशियल जॉब पोर्टल, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर भी न्यू ब्रंसविक में बहुत सारे जॉब्स निकले हुए हैं, स्टोर मैनेजर का यहाँ पर जॉब है, और कार वाशर के लिए जॉब है, जिनका एजुकेशन गाइस कम है, लाइक 6-7 क्लास है, वो लोग भी यहाँ पर कार वाशिंग जॉब कर सकते हो, आपको $15 पर आर के हिसाब से आपको मिलेगा। स्टैंड मैनेजर का यहाँ पर जॉब है, उसके बाद आप देख पा रहे हो टायर चेंजर का यहाँ पर जॉब है, गाइस यहाँ पर कुक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जॉब है, और कुक के लिए भी यहाँ पर आप देख पा रहे हो $16 पर आर के हिसाब से मिलेगा, 16-21, $16-21 आपको पर आर के हिसाब से मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा सैलरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का जॉब है, कैशियर के लिए जॉब है, डिस्पैचर के लिए जॉब है, ट्रक डिस्पैचर और पिकर पैकर हुआ, लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर, पाइप लेयर के यहाँ पर जॉब है, लाइन कुक के लिए जॉब्स है, फैमिली सर्विस वर्कर है, हेल्प डेस्क टेक्नीशियन है, डेंटल ऑफिस रिसेप्शनिस्ट है, और कंक्रीट फिनिशर है, कुक है, रिसेप्शनिस्ट है, कोऑर्डिनेटर है। इस तरह के दोस्तों जितने भी यहाँ पर जॉब्स है गाइस, इन जॉब के लिए आप यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, सारे जॉब्स मैं आपको बता रहा हूँ वो न्यू ब्रंसविक के अंदर इस टाइम पर अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए एक CV कवर लेटर, जो कि कैनेडियन फॉर्मेट का होना चाहिए। अगर गाइस आपके पास में एक प्रोफेशनल CV नहीं है तो गाइस यहाँ पर आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस कंपनी आपको पर्सनली नहीं जानती है, जब आप CV सेंड करेंगे तभी आपके प्रोफेशन के बारे में वो लोग जानते हैं कि क्या आपका एजुकेशन है, कितना आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें कंपनी तभी जानती है जब आप उनको CV सेंड करते हैं। तो गाइस यहाँ पर एक प्रोफेशनल CV आपके पास में रहेगा तो ही यहाँ पर आपको जॉब मिलेगा। तो गाइस अगर आपके पास में CV कवर लेटर नहीं है तो आप इसको मेरे थ्रू बनवा सकते हो, स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से नोट करिए, कॉन्टेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर जॉब ले सकते हो, जैसे आप आपको जॉब मिलेगा आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, और डायरेक्टली आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर देंगे, और सारा जो चार्जेस है वो कंपनी यहाँ पर पे करेगी, आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हो कनाडा।